गगहा पुलिस ने चोरी के टुल्लू पंप के साथ चोर को किया गिरफ्तार। गगहा गोरखपुर। गगहा थाना क्षेत्र के बड़गो में स्थित सुपर पब्लिक स्कूल के प्रांगण से 22 जून की रात टुल्लू पंप चोरी हो गया था। पुलिस मुकदमा दर्ज कर चोर का पता लगा रही थी, तभी मुखबिर ने सूचना दी कि टुल्लू पंप चोरी करने वाला युवक बड़गो शराब भट्टी के पास चोरी के टुल्लू पंप के साथ खड़ा है। SI अख्तर आलम व विनीत यादव ने मुखबिर की सूचना पर धारा 379-411 के आरोपी युवक सहलम पुत्र मोहम्मद समीम निवासी बड़गो को चोरी के टुल्लू पंप के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सांसद कमलेश पासवान ने पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी के साथ लिया जगदीशपुर गांव का जायजा। बड़हलगंज बास गांव सांसद कमलेश पासवान ने पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी के साथ बुधवार की शाम राप्ती नदी से अपना अस्तित्व खो रहे जगदीशपुर गांव पहुंचकर पीड़ितों का दर्द साझा किया। सांसद कमलेश पासवान को ग्रामीणों ने बताया कि सिर्फ 30 परिवार ही पीड़ित नहीं है, बल्कि और भी कई परिवार पीड़ित हैं, जिन्हें आवास के साथ साथ आर्थिक सहयोग की भी जरूरत है। पीड़ितों की बात सुन सांसद ने मौके पर मौजूद तहसीलदार केशव प्रसाद को दोबारा सर्वे कर पीड़ितों का लिस्ट बनाने का निर्देश दिया। सांसद श्री पासवान ने कहा कि एक भी पीड़ित छूटना नहीं चाहिए। इस दौरान प्रधान विजय कुमार यादव, सत्यवीर यादव, आचार्य देव प्रकाश त्रिपाठी, अष्टभुजा सिंह, अभिषेक गुप्ता आदि मौजूद रहे। पुत्र के चलान हेतु SSP से लगाई गुहार। गोला गोरखपुर। गोला थाना क्षेत्र के निवादा निवासी प्रयाग प्रसाद पुत्र मुनेश्वर ने SSP को प्रार्थना पत्र देकर 2 दिन से लॉकअप में बंद अपने पुत्र के चलान हेतु गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि मेरे 38 वर्षीय पुत्र महेंद्र को पुलिस ने पड़ोसी के बच्चों के विवाद में थाने उठा लाई है तथा 2 दिन हो गया है, तभी से लॉकअप में बंद किया है। ना तो छोड़ रहे हैं, ना ही चलान कर रहे हैं। मैं वृद्ध हो चुका हूँ, भाग दौड़ कर पाने में असमर्थ हूँ। न्यायोचित कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में प्रभारी थानाध्यक्ष DN राय ने बताया कि मैं बाहर हूँ, आकर देखता हूँ। गगहा क्षेत्र में छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गगहा गोरखपुर। गगहा थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को गगहा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी गगहा अमित कुमार दुबे, SI आशीष कुमार दुबे, कांस्टेबल वंश नारायण गौड़ व अनीस अहमद आरोपी की तलाश में थे, तभी मुखबिर ने सूचना दी कि छेड़छाड़ का आरोपी इस समय घर पर मौजूद है। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी युवक ऋषि प्रजापति पुत्र हंसराज निवासी चिमचा गगहा को 10:30 बजे 354-910 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गजपुर निवासी अभिषेक कनौजिया लापता, परिजन तलाश में जुटे। गगहा थाना क्षेत्र के गजपुर निवासी अभिषेक कनौजिया पुत्र सुदामा कनौजिया मंगलवार की भोर से गायब है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। युवक के परिजन युवक को आसपास रिश्तेदारों में ढूंढने के बाद भी जब युवक नहीं मिला तो उन्होंने आज गगहा थाने में शिकायत पत्र देकर बताया कि अभिषेक कनौजिया मानसिक रूप से भी अस्वस्थ है, जो मंगलवार से लापता है। उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया गया परंतु वो नहीं मिला। ऐसे में उसे ढूंढना बेहद जरूरी है, नहीं तो कोई अप्रिय घटना हो सकती है। ATM कार्ड बदलकर खाते से 19,000 रुपए निकाले। थाना क्षेत्र के ककरही गांव के मायके में रह रही एक महिला के ATM कार्ड की हेराफेरी कर उचक्कों ने 19,000 रुपए निकाल लिए। मोबाइल पर रुपए निकालने का मैसेज आने के बाद महिला को ठगी की जानकारी हुई। गांव की महिला सुरभि ने तहरीर में बताया कि वह गोला कस्बा स्थित HDFC बैंक पर रुपए निकालने गई थी। इसी दौरान उसके पीछे खड़े युवक ने रुपए निकालने के सहयोग करने के नाम पर ATM कार्ड बदल लिया। हालांकि उस समय रुपए नहीं निकले पर वे वापस घर चली आई। रात में उनके मोबाइल पर 19,000 रुपए निकल जाने का मैसेज आया। गगहा के हिवा के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलकर उठाई कचरांचल की समस्या, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। गगहा गोरखपुर। गगहा विकास खंड के भैसहा निवासी हिवा के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह जिला प्रभारी उदय भान सिंह के साथ लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के कछार वासियों की समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपते हुए
जनहित की समस्या को देखते हुए विकास कार्य कराने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने पूरा करने का आश्वासन दिया। इनकी मांगों में रखहट में स्थित खाली पड़ा बस अड्डे की जमीन पर बस अड्डा बनवाने, रखहट चौराहे से पूर्व की भांति रोडवेज बस संचालित कराने, बारिश के समय में कचरांचल की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं जिससे आवागमन बंद हो जाता है। मुख्यमंत्री ने मांगों पर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। किशोरी से छेड़खानी, एसएसपी से शिकायत। डेरवा बड़हलगंज की एक किशोरी ने गांव के ही एक युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। किशोरी के स्वजन ने आरोप लगाया कि घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है। पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी से आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक बड़हलगंज मनोज राय का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्दी आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। नदी में मिले सौ की हुई शिनाखत। बेलीपार थाना क्षेत्र के मलाव चंदा घाट पर सोमवार सुबह राप्ती नदी के तट पर मिले सौ की शिनाखत गगहा थाना क्षेत्र के वस्तुपार निवासी राम रक्षा दुबे के रूप में हुई। वो अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ गोरखपुर के पथरा में किराए पर मकान लेकर रहते थे। रविवार सुबह वो गांव वस्तु पार गए थे, घर के लोगों से मिलकर कुछ देर में निकल गए थे। मृतक के छोटे भाई सुग्रीव दुबे ने बताया कि उन्हें इंटरनेट मीडिया के जरिए मौत की जानकारी हुई। पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यशाला गगहा। सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने विकास खंड के समस्त नवनिर्वाचित महिला प्रधानों को उक्त लिंक से जोड़कर स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यशाला में प्रतिभाग करना सुनिश्चित किया। इस हेतु नवनिर्वाचित महिला ग्राम प्रधानों को उक्त लिंक से जुड़वाने हेतु एक एक सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाए, जो निर्धारित समय पर संबंधित ग्राम पंचायत में पहुंचकर संबंधित महिला प्रधान जी को उनके मोबाइल से उक्त लिंक पर जुड़वाकर कार्यशाला में प्रतिभाग करा सके। श्रीमद् भागवत कलश यात्रा के दौरान मनबड़ों ने किया उपद्रव। उरुआ थाना क्षेत्र के ग्राम बनकटा में श्रीमद् भागवत कथा आयोजित की गई थी। कलश यात्रा के वापसी में जल भरकर यात्रा पुनः कथा स्थल के लिए जा रही थी, लेकिन यात्रा अभी धुरिया पार उरुआ रोड पर पहुंची थी। धुरिया पार में महफूज की मुर्गे की दुकान है। दुकान से ही सटे एक पेड़ की डाल सड़क की तरफ निकली हुई थी, जिसे घोड़े पर सवार युवक ने तोड़ दिया। इसी बात को लेकर महफूज परवेज महबूब अफसर दिलसाद सहित 15-20 की संख्या में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने गाली और अभद्र भाषा का इस्तेमाल और साथ ही यात्रा में शामिल महिलाओं व युवतियों से छेड़खानी करने लगे। यात्रा में शामिल लोगों ने ऐसा करने से मना किया तो चाकू रॉड से हमला कर दिया, जिसमें 45 वर्षीय सिद्धार्थ उपाध्याय पुत्र आशा प्रसाद उपाध्याय, 26 वर्षीय राम प्रवेश यादव पुत्र स्वर्गीय रामलखन यादव, 19 वर्षीय प्रशांत यादव पुत्र अरविंद यादव, 17 वर्षीय वरुण यादव पुत्र अरविंद यादव घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरुआ ले जाया गया। पीएचसी केंद्र पर जमा पानी देख बिफरे बासगांव विधायक। गोला गोरखपुर गगहा क्षेत्र के हाटा बाजार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जमा बरसात के गंदे पानी को देखकर बिफरे विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान ने एनएचआई के पीडीसीएम द्विवेदी से बात कर एक सप्ताह में कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। गोरखपुर से वाराणसी राजमार्ग पर जिला मुख्यालय से करीब 50 किमी दूरी पर स्थित हाटा बाजार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्माणाधीन फोरलेन के अधिकारियों के द्वारा हॉस्पिटल के सामने से गुजरने वाले नाले को फोरलेन के जद में आने के कारण उसको पाटकर रोड बना दिया। उस नाले के बदले में एनएचआई द्वारा हॉस्पिटल और फोरलेन के बीच से नाला खुदाई कर लगभग 15 मीटर नाला निर्माण करने के बाद बाकी नाला निर्माण के अधिकांश क्षेत्र में खुदाई कराकर छोड़ दिया गया है। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि अरविंद पांडे, जिला मठ मंदिर प्रमुख शैलेश द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष संतोष चंद, संजय कृष्ण मिश्र सहित आदि लोग मौजूद रहे। घर से गायब बच्चे को पुलिस ने ढूंढ निकाला। उरुआ पुलिस ने 28 जून को घर से गायब बच्चे को बुधवार को जैतपुर में ढूंढ निकाला। थानाध्यक्ष उरुआ दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि बच्चा सिकरीगंज गोरखपुर की तरफ गया है। तुरंत ही पुलिस टीम का गठन किया गया और बच्चे को सही सलामत बरामद कर उसके माता पिता को सौंपा गया। बरामद करने वाली टीम में थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक अनूप सिंह, अजीत सिंह, सुरेंद्र कुमार आदि शामिल थे। अप्रवासी भारतीय स्वर्गीय ताराचंद की पुण्यतिथि पर शोक सभा।
गोला गोरखपुर गोला तहसील क्षेत्र बड़हलगंज के बाछेपार गांव में स्थित श्री राम जानकी मंदिर पर बुधवार को निषाद समाज द्वारा चैनपुर गांव निवासी मंदिर के संरक्षक अप्रवासी भारतीय सिंगापुर स्वर्गीय ताराचंद निषाद की पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वर्गीय ताराचंद निषाद के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर 2 मिनट का मौन रखकर शोक मनाया गया। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुन्ना निषाद, हरिलाल निषाद, विक्रांत निषाद, राम प्रकाश कोलाहल निषाद, विजय निषाद, चंद्रेश्वर निषाद, हरिवंश मंगल आदि लोगों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। COVID-19 वैक्सीन खत्म, टीकाकरण बंद। बांसगांव गोरखपुर COVID-19 की महामारी के दौर में जहां सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाए, वहीं दूसरी तरफ जिले पर वैक्सीन खत्म होने के कारण पिछले 3 दिनों से बांसगांव सीएससी सहित क्षेत्र में चल रहे क्लस्टर अभियान को बंद कर देना पड़ा है। मंगलवार को सीएससी पर भी वैक्सीन के खत्म हो जाने से बड़ी संख्या में लोगों को टीकाकरण कराए बगैर निराश होकर लौट जाना पड़ा। अधीक्षक से बात करने पर उन्होंने बताया कि जिले पर वैक्सीन खत्म हो गई है, यह बता पाना मुश्किल है कि वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो सकेगी। हमारे प्रतिनिधि ने अधीक्षक से 1 जुलाई से गांव-गांव चलने वाले क्लस्टर अभियान के बारे में जब पूछा तो उन्होंने बताया कि प्लान तो बन के तैयार है, अगर टीका आ जाता है तो वो भी चलेगा, अन्यथा कुछ बता नहीं सकते।